आप देख रहे हैं एनएमटी न्यूज और आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमटी न्यूज। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आई नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट के बीच महिमा चौधरी ने किया नया पोस्ट। अंबानी परिवार को लेकर कह दी ये बड़ी बात। 90 के दशक में अपनी खूबसूरती के चलते हर किसी का दिल जीतने वाली बॉलीवुड एक्ट्रेस महिमा चौधरी इन दिनों ब्रेस्ट कैंसर जैसी घातक बीमारी से जूझ रही हैं। महिमा ने अपनी इस बीमारी का शॉकिंग खुलासा कर फैंस को चौंका दिया था। महिमा ने एक वीडियो हाल ही में एक्टर अनुपम खेर के साथ शेयर कर अपनी इस बीमारी के बारे में फैंस को जानकारी दी थी। इस खबर ने हर किसी को हैरान कर दिया था। वीडियो में महिमा का लुक इतना बदला था कि उन्हें पहचान पाना हर किसी के लिए काफी मुश्किल हो रहा था। वहीं अनुपम ने महिमा को ब्रेस्ट कैंसर से लड़ने वाली हीरो बनाया था। वहीं अब महिमा का एक नया वीडियो आया है जिसे खुद एक्ट्रेस ने शेयर किया है। इस वीडियो में फिर से महिमा अपने पहले वाले लुक में ही नजर आ रही हैं। यहां देखिए वीडियो। महिमा चौधरी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपना एक नया वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में महिमा का नया लुक देख फैंस काफी खुश हैं। साथ ही महिमा ने इस वीडियो के जरिए अपनी शुभचिंतकों, दोस्तों और खास तौर पर अनुपम खेर को धन्यवाद दिया है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि महिमा ने विग लगा रखा है। इस विग में उनका नेचुरल लुक जा सकता है। इस दौरान वह कहती हैं, मैं आप सभी को धन्यवाद कहना चाहती हूं जिन्होंने बीते दिनों मुझे प्यार और शुभकामनाएं भेजी। कुछ ने तो मेरा नंबर भी सर्च कर मुझसे संपर्क करने की कोशिश की। मैं इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और ईमेल पर सभी को पर्सनली मैसेज कर रही हूं और इसके बाद भी मैं इस प्लेटफॉर्म पर आकर आप सभी को थैंक यू कहना चाहती हूं। महिमा ने मुंबई स्थित धीरू भाई कोकिला वेर अंबानी हॉस्पिटल में अपनी जांच करवाई है। वहीं एक्ट्रेस इन हॉस्पिटल के लोगों को शुक्रिया कहना नहीं भूली। उन्होंने यहां के डॉक्टर्स, प्लास्टिक सर्जन, नर्स को धन्यवाद दिया है। साथ ही महिमा ने खास तौर पर टीना अंबानी का नाम लेते हुए उनका शुक्रिया अदा किया है। प्रेस करें बेल आइकन और पाएं उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, नवी मुंबई, ठाणे की ताज़ा तरीन खबरें सिर्फ नवी मुंबई टाइम्स न्यूज पर। ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटे के निशान को दबाना ना भूलें।